हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। पिछले दो दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया, आज फिर से वीडियो आ रहा है। दो दिन मतलब मैं हफ्ते में दो दिन वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप कह सकते हैं एक हफ्ता से मैंने वीडियो नहीं बनाया और आज उसके बाद वीडियो है। ये वीडियो नहीं बना क्योंकि मैं ऑयल पेंटिंग कर रहा था। मैं सोच रहा था कि करूंगा कि नहीं करूंगा, करूंगा कि नहीं करूंगा। फिर से मैं स्टार्ट कर दिया ऑयल पेंटिंग और कर दिया ऑयल पेंटिंग। तो पहले अच्छा नहीं हो रहा था, बीच का जो टाइम था मैं तो सोच रहा था कि छोड़ ही दूं, करूंगा नहीं, बाद में करूंगा वो पेंटिंग, वाटर कलर स्टार्ट कर दूं। पर फिर मैंने नहीं सोचा कर लूं पूरा, और वही पेंटिंग वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं बंगाल का बहुत ही फेमस पोइट शंखा घोष का पोर्ट्रेट पेंट करने जा रहा हूँ, जो कि अब हमारे साथ नहीं रहे। वो कोरोना से इफेक्टेड थे, कोविड-19 से इफेक्टेड थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, और अपने आखिरी सांस वही छोड़े। इस अप्रैल महीने में ही उनका देहांत हो गया हॉस्पिटल पर, और उनको ट्रिब्यूट देने के लिए आज मैं उनका पोर्ट्रेट पेंट करने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट ऑयल पेंटिंग है यूट्यूब पर, और देखिए मुझे डर लग रहा था पर मैंने कर दिया। मैं रिजल्ट से खुश हूँ पर उतना भी नहीं। पर अगर आपको मेरी ऑयल पेंटिंग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल सीएफएस क्रिएशन बाय फैशन को सब्सक्राइब कर लेना, उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा के, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे दबा देना, ताकि आने वाला मेरा अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज इस वीडियो को एंजॉय करना, पूरा देखना जरूर, और जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। दोस्तों मैंने उनका पोर्ट्रेट का आउटलाइन कर लिया और आप उनका फोटो देख सकते हैं साइड में, और ये कलरफुल फोटो नहीं है तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। उनके लिए नहीं, जो अच्छे से करते हैं जिनको प्रैक्टिस है, मेरा तो प्रैक्टिस नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि कलरफुल पिक्चर नहीं होने के बावजूद मुझे कलरफुल करके इस पेंटिंग को करना होगा, तो मुझे प्रॉब्लम आए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं डिटेलिंग एरिया से काम स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही मैं करता हूँ तो मुझे परेशानी नहीं होती, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मुझे परेशानी होती है। और मैं अब जो कर रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट को देखा था कि वो ऐसा करते हैं, मुझे बीच में याद आया, तो मैं थोड़ा काम होने के बाद मैं ऐसा पूरा कैनवास को एक कलर से कवर कर लिया। जब ये सूख गया तब फिर से मैंने मेरा कलरिंग स्टार्ट किया, और मुझे नहीं पता ऐसा करने से क्या इफेक्ट पड़ा, पर मैं जब समझूंगा तब आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा।